फरुखाबाद में एक अजीबोगरीब मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां प्रेमी के ना आने पर उसके 4 वर्षीय बेटे की जहर देकर प्रेमिका ने हत्या कर दी थी, जिसका फरुखाबाद पुलिस ने खुलासा करके आरोपी महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूरा मामला फरुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां प्रेमिका ने प्रेमी के ना आने पर उसके 4 वर्षीय बेटे को पानी में जहर देकर मौत के घाट बीते दिनों उतार दिया था। पुलिस ने सन की महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 2 दिन पूर्व थाना नवाबगंज के पुठरी निवासी धनपाल ने अपने 4 वर्षीय नाती आंसू की जहर देकर हत्या किए जाने की FIR दर्ज कराई थी। उसकी हत्या कर सब खंडहर में फेंक दिया गया था और पुलिस ने जांच के बाद आरोपी कुंती पत्नी धीरेंद्र उर्फ पम्मी निवासी रामनगर नवाबगंज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुंती ने पुलिस को बताया कि उसका प्रेम प्रसंग मृतक आंसू के पिता राजू के साथ चल रहा है और उसका राजू के साथ प्रेम प्रसंग चलता था। राजू 10 सितंबर को नौकरी करने केरल चला गया था, बार बार बुलाने पर भी वह नहीं आ रहा था। जब राजू नहीं आया तो उसने गुस्से में उसके पुत्र आंसू को घर में रखे जहर को पानी में मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने पूरी घटना का खुलासा पुलिस लाइन में किया है, जिस दौरान थाना अध्यक्ष बलराज भाटी और उनकी टीम ने महिला को गिरफ्तार कर दिया है। आइए आगे अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, UPTV न्यूज। तारीख को इसी मंथ में एक घटना हुई, एक बालक मृत पाया गया जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके बारे में तहरीर प्राप्त हुई, जब उसका फादर बाहर से लौट के आया तो तत्काल नामजद मुकदमा लिखा गया दो अभियुक्तों के खिलाफ। लेकिन जब पूछताछ की गई तो ये प्रकरण संज्ञान में आया और अन्य साक्ष्य कलेक्ट किए गए तो ये बात प्रकाश में आई कि जो राजू है, विवादी है, उसकी अपनी भाभी से कुछ संबंध थे, कुछ प्रसंग थे और ये महिला जो उसकी ताई लगती है मृतक की, दवा बनाने के लिए उसको कुछ खाने में पॉइजन मिला के उसकी मृत्यु कारित कर दी। इस संबंध में अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है, इसने अपने जुर्म को बुला है और आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। इसमें और भी कोई लोग नहीं? इसमें और कोई लोग नहीं है अभी तक। मुकदमा जो निम्न लिखा गया था उसमें जो वादी है उसको लगा कि चूंकि जहां घटना स्थल था उसका छत बराबर में था तो उनको लगा कि ऐसा तो नहीं कि इनके द्वारा कैद की गई हो। लेकिन जब घटना में और भी अन्य साक्ष्य कलेक्ट किए गए और भी बातें हुई वहां पे पूछताछ हुई लोगों से कड़ाई से तो ये बात प्रकाश में आई कि उसकी ताई जो मृतक है उसकी ताई नहीं उसको मृत्यु कैद की। अपने घर पर उसको बुला के अपने घर में खिलाया, जहर पिला दिया और उसके बाद इसकी जो मृतक की शरीर थी उसको अंधेरा होने के बाद झाड़ी निकली।